दोस्तों नमस्कार, मैं आपका संगीत का साथी डूंगर सिंह मारवाड़ म्यूजिक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम गाने कैसे निकालें वो बात करेंगे, गाने निकालेंगे, गाने बजाएंगे। और अब हम किसी अलंकार की बात नहीं करेंगे, न ही हम कोई अलंकार करेंगे, हम गाने बजाकर ही अलंकार का अभ्यास करेंगे। ऐसा मानिए कि गाने ही हमारे अलंकार हैं। 12 स्केल से आपको सरगम बजाने आने चाहिए, 12 स्केल से 10 थाट बजाने आने चाहिए, उसके अलावा आपको उंगलियों की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका है। अब रही बात गाने निकालने की, तो गाने कौन से निकालें? हर गाना हम नहीं निकाल सकते, शुरुआत में गजल ठुमरी ये नहीं निकाल सकते, हमें बहुत सरल गाने लेने पड़ेंगे शुरू में। सबसे पहले तो हमें वो गाने निकालने चाहिए जो हमारे दिमाग में रचे बसे हैं, जैसे आपके क्षेत्रीय भाषा के, आपके क्षेत्र के गाने, आपके क्षेत्र के भजन। जितने कोमल स्वर अधिक होंगे गाने में, उसमें उतना ही मिठास होगा, और जब वो आप बजाएंगे तो आपको बजाने में भी आनंद आएगा, तो आप जल्दी सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अंगुलियों का अभ्यास भी करना पड़ेगा। आपने ज्यादातर बिलावल थाट बजाया, बहुत ज्यादा बजाया बिलावल थाट, कि अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपकी अंगुलियां बिलावल थाट में जमी हुई है, लेकिन जब कॉमन स्वरों में हम जाएंगे तो अंगुलियों का पैटर्न आपका बदल जाएगा। जो बिलावल थाट वाला पैटर्न है अंगुलियों का, वो नहीं रहेगा, अंगुलियों का पैटर्न बदलना पड़ेगा। और 2-3 गानों के नोटेशन के आधार पे अभी आपको अंगुलियों के अभ्यास के लिए वो गाने बजाने पड़ेंगे। आप ये मत सोचो कि जो आप चाहे वो गाना निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। उसका रीजन यही है कि कोमल स्वरों पर अंगुलियां स्मूथली चलनी चाहिए। मैं आपको आज नोटेशन भी नहीं दूंगा, मैं सीधा आपको वो गाने बजाकर बताऊंगा, और उसमें 1-2 टिप्स मैं आपको दूंगा कि अब वो अंगुलियों का पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा, और उसमें आपको किस अंगुली का अभ्यास ज्यादा करना है, कैसे करना है, ये बताऊंगा। और उसके साथ साथ आपको 2-3 भजन जो है गर धनी कोमल वाले, वो मैं बजा के बताऊंगा, गाकर बताऊंगा, आप उन्हीं का अभ्यास करें। कोई अलंकार की अब जरूरत नहीं, गर धनी कोमल वाले 2-3 भजन मैं आपको बजा के बताऊंगा, आपको सरलता से ये स्वर समझ में आ जाएंगे। फिर आप जटिल गाने भी लेंगे तो अंगुलियां साथ देगी, नहीं तो अंगुलियां साथ नहीं देगी तो भले आप कितना ही नोटेशन लो, कितना ही आप अच्छा गा लेते हो, हारमोनियम पे नहीं निकाल सकोगे गाने। दोस्तों मेरा तो ऐसा मानना है कि गाने अंगुलियों से ही निकलते हैं, और अंगुलियों में इतना संगीत बस जाता है अभ्यास से दोस्तों, कि आगे कौन सा स्वर लगेगा अंगुलियां अपनी पोजिशन ले लेती है। अगर आपने अंगुलियों का सही अभ्यास किया है तो मैं आपको हारमोनियम पे लेके चलता हूं, और वहां पर बताता हूं कि अंगुलियां कैसे रहेगी गर धनी कोमल जब आप बजाएंगे तो। और इसमें कभी धसुद भी लग जाएगा तो उस समय क्या स्थिति रहेगी। तो ऐसी चीजों का आप अभ्यास करें, और अभ्यास कैसे करना है जो बता रहा हूं गाने, उन गानों को बजाकर अभ्यास करें। दोस्तों जब आप बोर होने लगो कि ये नहीं बज रहा है, तो समझ लो कि अब यहां से बजना शुरू होगा। जब आप बोर होने लगोगे, परेशान होने लगोगे कि अब तो नहीं बज रहा है, तब समझना आप कि अब यहां से बजना शुरू होगा। तो आपको हार नहीं माननी है, तब ही आप गाने निकाल पाओगे। गाने बजाने हैं तो आपकी अंगुलियां कितनी देर ठहरती है, क्या है, ये सब कॉमन सेंस है, आपका काम आएगा। इसमें कोई लय ताल या नोटेशन कुछ काम नहीं आएगा। 7 स्वर है, करोड़ों गाने हैं, उनको कितनी देर दबा के रखना है, कितनी बार दबाना है,
ये सब आपको अपने मन में जो आपकी दिमाग में जो आपका संगीत चल रहा चलेगा वही काम आएगा, मेरा बताया हुआ काम नहीं आएगा। मैं एक मोटे तौर पे विधि आपको बता दूंगा, मैं गाकर समझा दूंगा, आप मेरा वीडियो बार बार देख के उसकी कॉपी करके करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, फिर वो आपके अंगुलियों में बस जाएगा, आपके दिमाग में बस जाएगा। और कुल मिला के बेसिक कंसेप्ट जो गाने निकालने का है वो अंगुलियों की स्पीड होना बहुत जरूरी है कॉमन सुरों पर। तो कॉमन सुरों पर कौन सी अंगुलियां कैसे लगेगी वो मैं आपको हारमोनियम पे समझाता हूं, गाने बजाकर गाने गाकर। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अब अंगुलियां भी उस स्पीड से चलनी चाहिए जिस स्पीड से आप बोल रहे हैं, जिस स्पीड से आप गा रहे हैं, अंगुलियां उस स्पीड से चलेगी तब वो गाना निकलेगा, अक्सर नहीं निकलेगा, धुन निकलेगी गाने की और उस धुन पे आपको अक्सर जमाने हैं। तो आइए हारमोनियम पे आइए, ले चलता हूं आपको और हारमोनियम पे आपको वो चीज समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों, जब हम सारे शुद्ध स्वर बजाते हैं तब आपकी अंगुलियों की पोजीशन क्या रहती है, इस तरह से रहती है। अब इसमें हम ग और नी कॉमन लेते हैं तो भी पैटर्न यही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। देखिए तो ग और नी जो है आपका काफी थाट बज गया, और केवल नी लेते हैं तो भी पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, केवल नी खमा साठ हो गया और गनी वाला काफी थाट हो गया। अब आते हैं अपन ग ध नी कोमल, ये ग ध और नी बहुत ही पॉपुलर स्केल है, वर्ल्ड में मानी हुई पॉपुलर स्केल है दोस्तों। ये सारे शुद्ध स्वर हम बजाते हैं, इसको मेजर स्केल कहते हैं, और ये ग ध नी अपन कॉमन बजाते हैं तो ये माइनर स्केल कहलाती है। इसको बजाने के लिए आपको सिर्फ ये तीन अंगुलियां काम में लेनी, अंगूठा अंगूठा अंगूठे के पास वाली और ये मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर का और इस फिंगर का बहुत उपयोग है। दूसरा अंगूठा किसी भी आपको काले बटन पर नहीं आना चाहिए। तो कैसे बजाएंगे देखिए दोस्तों, ये इधर नी कॉमन अंगूठे से बजेगा, जब जरूरत पड़ेगी तब। अभी देखिए सारे ग म प ध नी सा, क्या फर्क आया, बिलावल थाट में सा इससे बजाते थे, इसको यहां से बजाते, लेकिन अब ये तो इससे ही बज रहा है, लेकिन यहां जो है ये आपका ये मिडिल फिंगर जो है वो आएगी ऐसे, और प पे भी ये मिडिल फिंगर आएगी। इस अंगुली को आपको फ्री रखना है जब आप वापस आए तो, ताकि इधर यहां लग के अंगूठा का टिका हो जाएगा, है ना। अगर आप इसको यहां रख दोगे तो फिर इस बटन को दबाने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा या इसको उठा के रखना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएगा दोस्तों। एक सेकंड का 50वां भाग भी अगर टाइम लगता है तो गाने का सारा आपका वो रिदम जो है वो खराब हो जाता है। तो सारे ग म प ध नी सा, वापस आते हो सा नी ध प, ये प पे ही आएगा। वैसे भी ये बिलावल में भी ऐसे ही इसी से बजाते थे, म ग रे सा। ठीक है, अब आपको एक अभ्यास करना है नी ध प बजाने का, नी ध प तो नी से बजाना है। इसकी दो एक्सरसाइज है, एक तो सा सा नी ध प, सा नी ध प
ये अंगुली पर पे नहीं आनी चाहिए, गलती से मेरी भी आ जाती है, लेकिन गाना बजाऊंगा तब नहीं आएगी। देखिए, सानी धाप सानी धाप, ये अभ्यास कीजिए। गा का कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा ऐसा लग जाएगा, इसी क्या प्रॉब्लम है। मैन ये अंगुली यहाँ आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए, ये अंगुली नहीं आनी चाहिए, बीच वाली अंगुली पर पे आनी चाहिए। ये अभ्यास बहुत काम देगा दोस्तों आपको। अभी आप ये मत सोचे कि गाना नहीं बता रहे, गाना भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले ये अभ्यास बता रहा हूँ कि आपको करना है। गाने शुरू कर दूंगा तो फिर ये बात रह जाएगी, है ना। तो ऐसे भी बजा सकते हैं आप, ये बजा के अंगूठा तो यहाँ धप रहेगा, ये बजा के वापस इससे को ला सकते हैं, इससे भी बजा सकते हैं, है ना। मान लो खाली नी धप पर ही बजाना हो तो नी धप पर, है ना। मान लो सा नहीं लग रहा है तो नी धप पर, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये अंगुली भी लग सकते हैं। तो ये दो तीन अभ्यास आपको करना, एक तो ये और एक ये बीच में खाली रखनी है। तीन अभ्यास हो गए। नंबर एक अभ्यास सा नी ध प, नंबर दो नी ध प, सेम उंगली से नी बजेगा, सेम से प बजेगा, नी ध प। एक इससे बजना है नी, इससे ध और प पे ये लानी है मिडल फिंगर। ये तीनों ट्रिक कोई अलग अलग गानों में आरोह अवरोह में काम आएगी आपके, इसलिए तीनों अभ्यास आप कीजिए, ठीक है। ग ध्वनि कोमल वाले मैं भजन बजा के बताता हूँ आपको। आइए आइए, सबसे पहले भाई मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ, तो सबसे पहले राजस्थानी भाषा का एक मारवाड़ी गणेश वंदना है, वो बताता हूँ आपको। महाराज गजानंद आओ नी आओ नी, मोरी सभा में रंग बरसाओ नी। महाराज गजानंद आओ नी, मोरी सभा में रंग बरसाओ नी। मोरी सभा में रंग बरसाओ नी, वो नी। मोरी सभा में रंग बरसाओ नी। महाराज गजानंद आओ नी, मोरी सभा में रंग बरसाओ नी। यहाँ देखिए शुद्ध आ रहा है मोरी सभा, तो ये तीसरी उंगली लेनी है। मोरी सभा में रंग बरसा वोनी वोनी, मोरी सभा में रंग बरसा। तो आप ऐसे इसको याद करके इस भजन को बार बार गावें। दूसरा भजन हिंदी भजन है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब लेते हैं तीसरा भजन, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको नया भजन बताता हूँ। यदि नाथ का नाम दया निधि हो,
तो दया भी करेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि हो, निधि हो तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ये भजन हो गया। इस भजन में कहीं कहीं खाली धई कॉमन लगेगा, या आपके गाने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगला भजन लेते हैं हम। अगला भजन भी बहुत पॉपुलर है ये भजन भी। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, लेना 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 भगवान तुम्हारे चरणों में। इस तरह चलेगा। एक भजन और लेते हैं। समान बसु वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, रस्ते में बाग लगा देना, फूल बिनूंगी तेरी माला के लिए, तेरी बाट निहारूं कुंजन में, क्षमा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। तो ये दोस्तों सारे भजन जो है वो एक ही तर्ज पे थे, राग नहीं कह सकते इसको, एक राग पे थे, राग का मतलब कुछ और ले लेते आप, एक ही धुन पे थे। तो इसको आप बजाइए। ये मेरा वीडियो लगा के हारमोनियम पे देख के बस ये उंगलियां लगाने का अभ्यास करें पहले। जब उंगलियां सही लग जाए कि कौन सा सुर छोड़ना है, ऐसे उंगलियां लगाने का अभ्यास करें, है ना। फिर आप ऐसे ऐसे जो बोलने का अभ्यास ऐसे होता है ना, फिर ऐसे वापस ऐसे होता है। तो ये पहले उंगलियों का अभ्यास कर ले आप 5-7 मिनट तक, और फिर आप धीरे धीरे इसके साथ गाएं। तो दोस्तों इन गानों को ही अलंकार समझकर अभ्यास करें, मन लगाकर अभ्यास करें दोस्तों, बोर नहीं होए। और मैंने उंगलियों की स्पीड बढ़ाने के लिए कोई अलंकार नहीं बताया आपको, सिर्फ ये गाना ही बताएं। ये गानों की प्रैक्टिस करो, कैसे भी करके इन गानों की प्रैक्टिस करो, गाकर करो, बजाकर करो, दोनों साथ में करके करो, तो आपको बहुत ही अधिक लाभ होगा और जल्दी लाभ होगा। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। और जो नए दर्शक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसे संबंधित वीडियो का रेफरेंस देता रहता हूँ, ताकि आप वो वीडियो भी देखकर लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार।